ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा, बोलो फिर से सभी बहन भाई, ओम शांति। कितना डायमंड साल में तब कौन बैठे है, कौन बैठे हो? हर के दिल में, मन में, बुद्धि में, दिल मन बुद्धि चित्त संस्कार पूछो। मन शांत है तो दिल खुश है, ऐसे है। दिल खुश है यानी साफ है, तो मन शांत है। बाबा ने, मैं जब गीता पढ़ती थी तो उसमें ये शब्द पढ़ के फिर भगवान को कहती थी, भगवान लिखा हुआ था तो मेरे को जानने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, देखने के लिए दिव्य बुद्धि, दिव्य आंखें चाहिए। तो मैं कहती थी मैं वो आंखें कहाँ से लाऊं, वो बुद्धि कहाँ से आवे। जानने के लिए बुद्धि चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। अभी हर एक के अंदर में जो बाबा बच्चे बैठे हैं, बाकी दो दिन है, 13 तारीख है, परसों बाबा आ रहा है। दो दिन में क्या कमाई, परसों सामने बाबा को देखेंगे, मिलेंगे, होली मनाएंगे, पर तो अभी हम क्या कर रहे हैं? मैं साक्षी हो करके देखते हैं, भगवान ने, भाग्य विधाता प्रभु ने आंख दी है, त्रिनेत्री बना दी है, ये यहाँ देखो, एक सेकंड सभी अपन को देखो, बुद्धि से जानना है, जानना है ना, वो कौन है, कैसा है, क्या करता है। पहले पहले दिल्ली में जब पहले गए थे तो लोगों को कैसे समझाएं, हमको तो अनुभव हो चुका परमात्मा कैसा है, कैसा है, क्या करता है। उसका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य है। सुना मैंने, नाम पहले शिव शंकर अलग कट्ठा समझते, शिव शंकर कह देते, महादेव बाबा ने समझाया शिव परमात्मा है, ब्रह्मा शिव शंकर तीनों के बच्चे है। समझ में आया,
रूप क्या है, ज्योतिर्लिंगम लिंग बड़ा ऐसा है नहीं, पूजा के लिए बड़ा लिंग बना देते हैं, है ज्योति, क्योंकि ज्योत में बड़ी शक्ति है। वंडरफुल है, काल ये समय है अपना अनुभव कराने के लिए, परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या करता है, कब करता है, बुद्धि को जान करके, आंखों से देखा हुआ है, अनुभव कहता है मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। जब मैं कहती हूं ना, पहले कैसे कहते थे, अब मैं आत्मा हूं, मेरा कौन है, परमात्मा है। अहंकार बेचारा मरा, अब मान गया, अहंकार कितना हरेगा, हरे को पैसे का, पोजीशन का, बस ये दर्द इच्छा ममता से फ्री हो गए, न इच्छा न ममता। पूछो अपने आप, है कोई इच्छा, क्या चाहिए, पढ़ते थे पांडव कौरव यादव, यादव साइंस कई बन रही, क्या साइंस 50-60 साल में, हमारे बचपन में लेकर के तो लाइट भी नहीं होती थी, फानूस जलाते थे, अभी साइंस की बम्स बनाए हैं, क्या करेंगे, कई समाचार मैं तो क्या बताऊं, कभी अखबार नहीं पढ़ी है, न पढ़ती हूँ, न टेलीविजन देखा, न देखती हूँ, नेवर। पर तो भगवान ने बताया है ये जो समय है ना, ये जो समय अनुसार जो भगवान पढ़ा रहा है ना, पढ़ाई बड़ी गहरी है। गुह्य गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान है भगवान का। भगवान को जानना, मुझे अच्छा लगता है जब विदेश में वो ईश्वर को कोई अल्लाह कहेगा, कोई गॉड कहेगा, पर हमारे भारत में परमात्मा परमपिता है, तो उसको भगवान कहते हैं, तो भाग्य बनाना सिखाता है। ईश्वर तेरी गतवत जारी है, प्रैक्टिकल देखा है, प्रभु तेरी लीला प्रभु पार है, ओ प्रभु। जब ये गीत बजता है, नहीं नहीं को राध खाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, किसके लिए कहते हैं, ठोकर से बचा लिया, कितना अच्छा समय और बाप मिला, समय की पहचान मिली, तो हम समय आंख खुली, भगवान ने त्रिन नेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों का मालिक बना दिया है। त्रिनेत्री बहुत अच्छा है, ये आंखें
क्या देखे, इधर देखे इधर कौवा तो रही हूं, क्या देखे, आत्म दृष्टि में, आत्म अभिमानी स्थिति में परमात्मा का बच्चा हूं, वो शक्ति सुने। गीत 10 मिनट चलाया, 10 मिनट से ज्यादा तेरा प्यार समझाया नहीं जाता है। 10 मिनट पूरा ये गीत चला, भगवान तेरा प्यार बतलाया नहीं जाता है, पर हम बतलाते हैं। कोई पूछे तो क्या देख रहे हैं, उसका प्यार पराई उनसे जब प्राप्ति हुई है, वो प्रैक्टिकली सबकी लाइफ बन गई है। हरे की लाइफ जिंदा रहते जीते हुए भी संसार में मरे हुए है, परमात्मा पर जिंदा है, मर जीवा लाइफ है, वहां से मरे पड़े है। कोई मां बाप कोई नहीं कह सकता तुम मेरी हो, जो पहले पहले कहते तुम मेरी लौकिक माँ हो या लौकिक बाप, लौकिक क्या बोला, लौकिक ऐसे लोक में, पर मेरा असली बाप वो है। बड़ा अच्छा लगता है, वैसे कह तुम्हें माता से पिता तुम्हें वह, तुम बंधु सखा तुम्हें वह, तू ही मेरी माँ, तू मेरा बाप, बंधु सखा सतगुरु तुम मेरे हो। इसलिए बुद्धि नस्ल ऐसी बनी है जो सवाय उसके और कोई याद आता नहीं है। मेरे को खुशी होती है इस बात की, जो बात पूरी हुई ना, बीती सो बीती। किसने पूछा क्या करती हो, मैं क्या करती हूँ, क्या करते हैं, शांति प्रेम सच्चाई की शक्ति जो दी है भगवान ने वाइब्रेशन से, अपने आप सारे विश्व में पहुंच रहा है। ये यहाँ शाम को आकर के सारे प्रेम बहन भाइयों को देख, इतने सब बहन भाई, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, किसने ये खेल रचाया, जानती हूँ। बच्चे तुम भी तीन लोक के मालिक हो, निमित्त यहाँ रहते हैं, घर जाना अपने घर में परम धाम में, जहाँ से सब आत्मा नीचे आते हैं, अब समय है घर जाने का। उसके लिए तैयारी की हुई है या करनी है, घर जाना है, यहाँ से देवी यहाँ छोड़ना है, सब छूट जाना है, दुनिया ही ये खत्म होने वाली है। घर कैसा है, शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, जहाँ का जहाँ से मेरा बाबा आया है, आज के वाणी में बाबा का था,
असुर बाबा को आया, जाना है जाना है, अभी जाना है नीचे, दुनिया में दुख बहुत है, तरस पड़ रहा था, ऊपर में भगवान को आया अभी जाना है नीचे। और मैंने देखा ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कैसे, वो सीन बड़ी सुंदर थी। गीता मैं भी पढ़ती थी, बाबा पढ़ता था, पर मैं अपने घर से बाबा जब गीता पढ़ता था वहां जाकर बैठ जाती थी, थोड़ा पढ़ के फिर शांत हो जाता था। भगवान तू कहते मन मना भव, सारा ज्ञान का सार मन उसमें लग जाए। बाबा ने जो बहुत बहुत धंधा व्यापार करते हुए भी देखा, बगीचे में बैठा है शांत में। कलकत्ता में गई बाबा को देखा, तो जिसको ढूंढते थे उसके बच्चे बन करके सदा काल के लिए सुख शांति प्रेम आनंद में रहने का जैसे वर्षा मिल गया है। ताली नहीं बजा, वर्षा नहीं मिला है, क्या मिला है? दुख क्या चीज होती है, शांति क्या चीज, हम नहीं जानते हैं। कोई शरीर भी छोड़ता है ना, तुम टाइम आया रोज समाचार आता है, पर शरीर छोड़ा, ये शरीर छोड़ा, अच्छा क्या करेंगे। हमारी एक बहन जेमनी है ना, जब भी कुछ कोई सही छोड़ेगा ना उसको बुलाते हैं, जहां भी कोई जाएगा ऐसा वायुमंडल बनता है पिंडल पर, मैं क्या बताऊं। अभी कहानी आने तो बहुत है, मैं कहां तक सुनाऊं। एक हमारा भाई था बहुत अच्छा, गोविंद भाई, जानते गोविंद भाई था, बड़ा बाबा का प्यारा बच्चा था। मैं यहाँ थी, ये मिसला बता देती हूँ, तो मुझे कैसे भी कहा तो अहमदाबाद में डॉक्टर को चेक कराने चलो। मैंने कहा अहमदाबाद तभी जाएंगी जब मैं अहमदाबाद से मुझे पुणे जाने के लिए, मुझे पुणे जाना है। मुझे सुना था गोविंद भाई हॉस्पिटल में है, तो बॉम्बे से यहाँ से अहमदाबाद सीधा पुणे में गए हॉस्पिटल में। मैंने भाई को देखा, तो एक फोटो किसी ने मुझे बना के दिया था, तो चिंता मत करो मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने गोविंद को वो चित्र भेजा था, वो चित्र उसके पास रखा था, तो चिंता नहीं करो मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे जाने से डॉक्टर ने कहा अभी इसको ज्यादा नहीं रखना है, छुट्टी दो, मेरे सामने सही सो रहा। इतना प्यार, पर उसी दिन में हम हमारी पुण्य वाली बहन ने सुंदर जी देखा दादी आई है, तो शाम को बड़ा प्रोग्राम रख दिया संगठन का, हजारों लोग थे, टोली भी बनाई, उनसे मिली। तब तक तैयारी कर, रात को एक ही ये गोविंद भाई है जिसको वो आजकल तो बिजली में डाल देते हैं ना, बॉडी को तैयार करके डाल दिया ऐसे। रात को 10 बजे भोग लगाया,
दूसरे धर्म में यहाँ आई, वंडरफुल है, ऐसा वंडरफुल भाई था, सच्चा बाबा का बच्चा था। दादी प्रकाश बनी रतन में, दादी आनंद किशोर बाबा की प्रेरणा से जापान गए थे, इसने कलकत्ते से क्या मैं इनको भेजूंगा जापान में, जापान से झार का जो हमारा झार है ना, अच्छा जापान से दादी बना के लेके आई, यानी सच्ची दिल पर साहेब राजी, ये जिसको अनुभव है ना वो जाने, हिम्मत बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहेब राजी, नियत साफ मुराद हासिल। इसमें एक मैंने देखा है, जैसे कल बताया, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहना, निश्चित भावी अच्छी बनी पड़ी है, ऐसी अपनी स्थिति बनाना कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? जिसको अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ियां है, ये 84 अंतिम जन्म है, उसकी अंतिम घड़ियां है, सवा एक बाप के, और कोई भी याद नहीं आता, औरों को भी याद दिलाने के लिए धुन लगी पड़ी है, दिल कहती है। हमारा निविल भाई या नहीं है, वो शायद ऊपर चला गया होगा आज, बहुत कोशिश किया, लिखता रहता है, लिखता रहता है अभी। मैं कहती मैं मरूं तो ऐसे जीऊं कैसे, जीना है तो कैसे, तो जो जानते हैं कैसे ये जिंदगी में बाबा ने जीना सिखाया है, वहां से मरना पुरानी दुनिया से, बाबा का बनना औरों को बनाना। हमारी गुलजार दादी गई थी साउथ अमेरिका, तो जैसे बोलने में बनाना बनना बनाना बनना बनाना बोलती रही, तो वो कहा ये बनाना क्या बोल रही है, नहीं सुना, बनाना बनाना है क्या, बनना है बनाना है बनना है बनाना है, क्या बनना है, क्वालिटी, पांच उंगली है, ये संयोग देने में हुशार है, ये विजयी है, यस विजडम है, ये एक है तो सब कुछ है, कमाल एक की है। पर ये जो है ना मोटी है यहाँ, ये छोटी यहाँ है, छोटी संयोगी है, मोटी कहती है देखना, एक मेरे साथ है, संकल्प दृढ़ है, तो देखना। जब भी हमारी दादी डायमंड नाल बना रही थी, मैं देखती, मैं विदेश में ही थी, क्या ये अभी आज ही भर गया है, परसों क्या होगा। मैंने आज सारा चक्कर लगा के कल रात को देखा, कितने लोग रहे, सभी को अच्छा रहने का स्थान है ना, हाथ उठाओ, इतने लोग कैसे रह पाए, खाना पीना ठीक मिलता है ना, ये किसकी महिमा करें, भगवान का यज्ञ है। भगवान ने स्वयं, बाबा ने आज बोला, फौरन समर्पण कर दिया, जैसे ही बाबा प्रवेश हुआ वो हमने आंखों से देखा,
इतना बड़ा धंधा सब समर्पण कर दिया। देह संबंध धर्म तो हम अपने आप से पूछें, मैंने अपने जीवन यात्रा पर चलने के लिए कैसा ये अपने जीवन सफल ही की है, खुशी है। एक बारी अव्यत बाबा मुझे संकार, तो इतना बड़ा कार्य है चलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं सफलता तुम बच्चों के आगे छिम छिम करके आएंगे, समझा? सफलता सच्ची दिल लेना, तब से लेकर के ये 10-12 साल पहले की बात होंगी, नहीं जब ओम शांति भवन में बाबा आता था। ओम शांति भवन में यहाँ भी कितना साल हो गया, सफलता छिम छिम करके आएंगे, आंखें से देख रहे हैं, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। ये बना शांतिवन बना, मन मनी वन जा तो क्या मन मनी वन बना है, क्या यहाँ तर बने है? ये कौन छिम छिम सफलता छिम छिम करके कैसे आ रही है, अपने आप आ रही है, किसी को फिक्र करने की बात नहीं। तो शांत रहना सीखो, आवाज में नहीं आओ, चिंता में कौन करे, बस एक ही भगवान मेरा साथी है। हम सच्ची दिल से साहब के साथ सेवा में हाजिर है। मुझे एक बार ही बाबा ने कहा बड़े प्यार से, हजूर कोई हुक्म है? मुझे शर्म आया, बाबा का हजूर कुछ हुक्म है? मैंने कहा बाबा बच्ची हाँ जी की है सदाई, हजूर तो सदा हजूर रहेगा। तो ये मैंने देखा 40 साल सारे विश्व की सेवा करते, हजूर कैसे हाजिर रहा है, हजूर हाजिर रहने में अपना काम किया है। अभी सब इतने कमाल बाबा की, अभी गीत गाएगा क्या गिरीश भाई? आओ सभी से मुस्कुराओ, पहले बाल बच्चे वाले है ना, पर न्यारा प्यारा है। हमको अच्छा लगता है कोई, मैं समझती हूँ पोतरा दुतरा भी होगा, पता नहीं है, मुझे पूछा नहीं है, लेकिन ये आए अकेले जाना अकेला, खाओ केला सर। हमें दादी में कौन दिखता है? बाबा दिखता है। बाबा को क्या कहते हैं? रब कहते हैं ना बाबा को, तो अभी रब की बात सुनते हैं। तू जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानो मैं, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, रब दिखता है, रा रा मैं क्या करूं,
सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया, हो कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। बसदी 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 दिल दे दिल विच बसदी, नसदी 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 दिल रोए ते नसदी, रब ने बना दी जोड़ी आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेर के चूमता, हो तू जो मुस्काए तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदी सजदी बसदी दिल दे दिल विच वसदी, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी, रब ने